हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आई हूँ आप सभी के बीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 मंथ्स के अंडर जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उनकी डेट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इनमें से काफ़ी सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनके लिए आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और डेट के लिए आप वेट कर रहे हो कि इसका डेट कब आएगा, एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स ऐसे रहने वाले हैं जो कि आप कुछ ही हफ्तों के अंदर उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिस एग्ज़ाम का फॉर्म आपने भर दिया है, एग्ज़ाम की डेट की वेट कर रहे हो, तो आखिर उसका डेट आएगा कब। तो आप कहीं इसको मिस ना कर दो, इसके लिए मैं ये वीडियो आप सभी के बीच लेकर आ गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम नंबर फर्स्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये आपका IDBI एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर जो 1036 पोस्ट की वैकेंसी आई है उसकी डेट के रिगार्डिंग है। सिंगल डे एग्ज़ाम रहने वाला है। ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा फ्रेंड्स 2 जुलाई को। बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम है, तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसकी स्पीड को आप बूस्ट कर दो। सेकेंड नंबर का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, वो आपका SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का है, जो कि काफ़ी सारे लोग एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे थे। फाइनली एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। इसका एग्ज़ाम फ्रेंड्स 27 जून टू आपका 30 जून के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्ज़ाम आपका वेरियस शिफ्ट में कराया जाएगा, तो आप लोग अभी से इस एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छे से करो, क्योंकि टाइम अब बहुत ही कम बचा है आपके पास। नंबर थर्ड पे है आपका UPSC EPFO की पोस्ट के लिए जो बड़े लेवल की वैकेंसी आई थी, उसके एग्ज़ाम के डेट जो ऑफिशियली अनाउंस कर दिए गए हैं। जो आपका प्री एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, वो आपका ऑफिशियल डेट आ चुका है 2 जुलाई को 2023 को आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। नंबर फोर्थ का जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो आपका DDA वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग बताने वाली हूँ। टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स आपको जो वैकेंसी आई थी वो 687 थी। इसमें आपको जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पटवारी, सभी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आपका जो है 1 अगस्त टू 30 सितंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। ये ऑफिशियली अनाउंस डेट है। वेरियस पोस्ट के ऊपर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वेरियस शिफ्ट में। आपके लिए ये एक बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी है। आई होप कि आपने ये फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। नंबर फिफ्थ पे हम लोग बात करने वाले हैं IBPS क्लर्क एग्जामिनेशन 2023 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, इसकी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। वैकेंसी आपको आएगी 1 जुलाई में, तो आप लोग अभी से वेल प्रिपेयर्ड रहो। इसमें फ्रेंड्स आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है देखने को मिलने वाली है वो 7000 के अप्रॉक्स रहने वाली। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहने वाला है फ्रेंड्स आपके लिए। इसका जो प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा वो ऑफिशियल डेट अनाउंसड है कि आपको 26 और 27 अगस्त, इसके साथ 2 सितंबर को इसका प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी से आप लोग तैयारी में लग जाओ, जुट जाओ और एग्ज़ाम को क्रैक कर लो। नंबर सिक्स पे आती है आपको SSC CPO के सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 2023 के रिगार्डिंग। आपको जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो आपका 20 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम आपको 3 अक्टूबर टू 6 अक्टूबर 2023 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। ये भी आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है जो मैंने आपको बताया। और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो सारी वैकेंसीज की डेट जो है अगर एक ही वीडियो में आपको बताने लग गई तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे।
फिलहाल जितना वीडियो में आपको बताया है, अगर उतना आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपको सारी न्यू अपडेट सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोग चाहते हो कि इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आ रही है, तो अगर आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल से कनेक्ट होके सब्सक्राइब करके आप अपने जीके जीएस और करेंट अफेयर्स के क्विज को बना सकते हो, जिससे कि आपकी तैयारी की स्पीड और बढ़ जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।